गुरु जी की असीम कृपा का वर्णन करने के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। गुरु जी की महिमा तो जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है। हमारे लिए तो गुरु जी साक्षात भगवान है, तो शिव जी का ही रूप है। भगवान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता जो गुरु जी ने हमारे लिए सबके लिए किया है। और हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में ले लिया। गुरु जी हमेशा कहते थे कि लेटर सुनाओ, तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, किस तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। गुरु जी तो बिल्कुल हमारे लिए बेस्ट ब्लेसिंग लगे एवर हैपन टू अस। तो जैसे गुरु जी कहते थे लेटर सुनाओ, तो मैं अपना आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि लास्ट 2 साल से कुछ मुझे प्रॉब्लम चल रहा था, तो लेकिन कोविड के मारे डर लगता था हॉस्पिटल जाने में। तो इसी ट्यूसडे मैं गई डॉक्टर के, तो उन्होंने आज के लिए कोलोनोस्कोपी शेड्यूल कर दी। तो और डॉक्टर स्पेल्ट इट आउट फॉर मी कि ट्यूसडे को उन्होंने कहा कि ये 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो कोई ब्लॉकेज है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, या एज रिलेटेड होगा। तो गुरु जी की असीम कृपा के सब कुछ आज मेरा बिल्कुल सारा टेस्ट बिल्कुल ठीक निकला है। ये गुरु जी की ही महिमा है। क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स को इंटेस्टाइनल कैंसर था, तो और वो जब मैं डॉक्टर के पास ट्यूसडे गई तो उसने यही कहा कि उनका भी मतलब जब हमने एज कैलकुलेट की तो इसी एज पे हुआ था जितनी मैं आज हूँ। तो ये तो गुरु जी की महिमा रही है कि उन्होंने मेरे सारे टेस्ट आज बिल्कुल क्लियर निकाले हैं। बहुत बहुत गुरु जी को शुक्रिया। और मैं नॉर्मली जब ये टेस्ट वेस्ट होते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है, मगर आज गुरु जी ने इतनी हिम्मत दिला दी कि मुझे जरा सी भी घबराहट नहीं हुई। मुझे पता था कि गुरु जी मेरे साथ है। तो सारा वो सब कुछ और पूरी टाइम मैं डॉक्टर से बात करती रही कि कोई आपको कुछ कैंसर तो नहीं दिख रहा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं दिख रही, और गुरु जी की असीम कृपा के सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक निकला है। जय गुरु जी। अब मैं बताती हूँ कि हम गुरु जी से कैसे मिले। हम गुरु जी से 95 में हम गुरु जी की शरण में आए हैं। तो ऐसा था कि उस वक्त 94 में मेरे फादर की कैंसर की सर्जरी हुई थी। तो सर्जरी तो 94 में हो गई थी, लेकिन मैंने बड़ी चिंता रहती थी कि ये स्प्रेड कर जाएगा। तो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी आए हुए हैं और वो सब कैंसर ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी उनके पास गए और गुरुजी ने उन्हें उसी दिन जिस दिन गए थे, गुरुजी वहां पे ग्रेटर कैलाश मंदिर में रहते थे, तो वहां पे गुरुजी ने उसी दिन उनको फादर को ब्लेस कर दिया। उनके पान के पत्ते उनके पेट पे रखे एंड उसी दिन गुरुजी ने माय फादर से कहा कि आपकी बेटी की बेटी के कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो सन इन लॉ को बेटी को उसको सबको परिवार को लेके आइए। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि ऐसे आदेश आया है, तो हम गुरु जी के जरूर जाएंगे। तो हम फौरन गुरु जी के आ गए। अब वहां पे छोटे मंदिर में ग्रेटर कैलाश मंदिर में बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत कम लोग आते थे, कम संगत थी, तो गुरु जी का बिल्कुल ऐसा लगता था पूरा अटेंशन हमें मिल रहा है। और इतने गुरु जी हम गए तो इतना बढ़िया लगा। पहले दिन से इतने गुरु जी फर्क थे, और जो हमारे गुरु पहले रह चुके वो सब या कोई सिडेट वाइट में या कोई गेरुए में और बहुत सीवियर लुकिंग और सब, और गुरु जी हमारे इतने रेडियंट और इतने इतने लविंग, इतने मैग्निफिसेंट ग्लोइंग कि हम पहले दिन से ही बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल ही गुरु जी के भक्त हो गए। गुरु जी हमें बुलाते रहे और जब 5वीं दफे हम गुरु जी के गए तो उन्होंने मेरी बेटी आदिति को ब्लेस किया। उसकी बर्थ से ही विजन कमजोर थी, तो गुरु जी ने ब्लेस किया उसको, ये कहा कि सूर्य प्रणाम करें ये 51 डेज के लिए। तो ये उस वक्त 11 साल की थी, लेकिन ये भी इतनी कमिटेड कि इसमें रोज सुबह जैसे जैसे गुरु जी ने कहा था वैसे ही पूरे सुबह 5:30-6 स्कूल जाने से पहले उठ के वो कर लेती थी सूर्य प्रणाम। तो
ऐसे 21st डे पे इसने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हम बहुत खुश हुए, गुरु जी को बताना चाह रहे थे। गुरु जी पंजाब चले गए थे, फिर दो दफे हमें पता चला कि गुरु जी चंडीगढ़ में है, तो हम उनके पीछे पीछे चंडीगढ़ गए। तो दूसरी दफे गुरु जी ने कहा कि नहीं जाओ, हम दिल्ली आके इसको और ब्लेस करूंगा। तो 98 बैसाखी थे के दिन गुरु जी का फोन आया। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो जैसे ही घर में घुसी रही थी तो फोन बज रहा था, मैंने उठाया तो मैंने कहा मैं गुरु जी बोल रहा हूँ और शाम को फंक्शन है एम्पायर स्टेट पे, तो सब आना। हम बहुत खुश हुए और हम पहुंच गए। बस फिर क्या था, फिर तो एम्पायर स्टेट के हमारे चक्कर लगने शुरू हो गए। वहां भी बहुत अच्छा लगता था, गुरु जी इतने प्यार से बिठाते थे, हम सब शब्द सुनते थे पहले, फिर वो अपने हाथ से इतना कड़ा प्रसाद या कभी कुछ और मिठाई अपने हाथ से देते थे, फिर इतना डिवाइन लंगर मिलता था, बहुत ही शांति मिलती थी। वो टाइम तो हमारा लाइफ का बेस्ट टाइम था कि गुरु जी की शरण में। अब जब यहाँ पे गुरु जी आ गए तो फिर मैं फिर पीछे पड़ गई कि गुरु जी आपने कहा था जल्दी आके आप इसको ब्लेस करेंगे, अब इसकी थोड़ी सी विजन और ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आएंगे। तो बस एक दिन उन्होंने जून में कहा कि परसों मैं आऊंगा, घर आऊंगा, घर आके इसको ब्लेस करूंगा और छोटा सा सत्संग रख लो और सिंपल सा चाय प्रसाद। हमने कभी सत्संग किया नहीं था तो इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं था, तो कुछ आंटी से मैंने पूछ लिया था, तो जैसे जैसे गुरु जी ने कहा था वैसे किया। बहुत बहुत आनंद आया। और उस दिन जो गुरु जी ने किया है वो तो उसके लिए तो हमारे पास गुरु जी को थैंक्स करने के लिए लफ्ज ही नहीं है। मिरेकल तो बहुत ही माइल्ड वर्ड है गुरु जी के करिश्मे के लिए। इसकी मैंने आपको बताया विजन वीक थी, तो इसको मैं स्पेशल स्कूल भेजती थी, मुझे इसकी किताबें इलाज बहुत इलाज करानी पड़ती थी। इसके मेडिकल इंस्टीट्यूट में 4 आई सर्जरीज हो गई थी, तो डॉक्टर ने तो ये कहा था कि ये ज्यादा कुछ मत एक्सपेक्ट करिए, अगर ये ऐसे चल फिर ले थोड़ा अपने आप इंडिपेंडेंटली गिरे पड़े, नहीं तो बस वो ही बहुत है। लेकिन गुरु जी तो की तो कृपा, डॉक्टर्स की, मैंने डॉक्टर बहुत कमिटेड, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर ऑल द डॉक्टर्स एट एम, लेकिन गुरु जी तो बिल्कुल एक अलग फिनोमिना है, वो तो भगवान है, वो तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंस, वो कहते थे कि मेडिकल साइंस फेल हो गई और प्रैक्टिकल में करके दिखाया उन्होंने, वो ही किया। इसकी विजन उनकी कृपा से इतनी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुई है कि मैं बता ही नहीं सकती। उस दिन जब गुरु जी घर आए, उसके नेक्स्ट डे पे ये उठी तो मुझे कुछ पता नहीं, आई थी मुझे देख के कुछ लगा कि कुछ फर्क है। तो इसके एक हफ्ते पहले मैंने बुक्स मंगाई थी ओपन स्कूल की, बहुत ही छोटा प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट से भी छोटा। तो ये एक हफ्ते पहले वो पढ़ नहीं पा रही थी, न्यूज़पेपर में इसको इनकरेज करती थी तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी लेकिन आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो आप संजय जी यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन इसने पूरा तो न्यूज आर्टिकल पढ़ के सुना दिया। पहले मैंने सोचा कि शायद ये टीवी पे कुछ सुन रही है तो चीज बैटली की डॉग बगर, ये तो पेपर में से पढ़ रही थी। और जो किताबें एक हफ्ते पहले ये नहीं पढ़ पा रही थी वो इसमें से उसमें से पढ़ के सुनाने लगी। तो गुरु जी की इतनी कृपा कि कैसे ओवरनाइट उन्होंने इसकी विजन में इतनी जबरदस्त तब्दीली के उसको मैं नहीं बयान कर सकती। गुरु जी ने बहुत ही ज्यादा कृपा करी इस बच्चे पे, और बस फिर तब से तो इसका बहुत ही इसकी उसमें विजन में इम्प्रूवमेंट आई। इसने सारी कहां तो स्पेशल स्कूल जाती थी, कहां इसने फिर सारा अपना BSW MSW स्पेशल एजुकेशन BS, अब ये स्पेशल एजुकेटर है। तो ये सब गुरु जी की ही कृपा से, उनकी कृपा के सिवा तो ये हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल असंभव था। फिर ऐसे ही और बहुत सत्संग है, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड की 3 दफे जान बचाई और हर दफे वो इतने स्केरी इंसिडेंट थे। 2001 में आप लोगों को ध्यान होगा कि टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, तो
उस वक्त ये गए, बिल्कुल उसी वक्त की बात है कि ये पार्लियामेंट हाउस गए, इन्हें किसी से मिलना था। तो जब वहां पे पहुंचे गेट पे, तो दरबार ने कहा कि साहब आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, आपका कोई अंदर जाने का फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे हाउस में नहीं जाना, किसी से ऑफिसर से मिलना है। और ये जैसे ही अंदर स्टेप इन किए, मतलब एक कदम अंदर रखा और एकदम से इनके पीछे दरवाजा बंद हो गया, धड़धड़ धड़धड़। वो पूरे कॉरिडोर में जैसे जैसे ये चलते गए, सारे दरवाजे बंद होते गए, एंड द टेररिस्ट हैड अटैक। एंड ये जो बेचारा दरबान जिसने उनसे कहा कि आज एडजर्न हो गया है, वो उस बेचारे के फॉर द लास्ट वर्ड, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी शॉट डाउन बाय द टेररिस्ट। ऐसी गुरु जी ने कृपा करी कि इनको बाल बाल बचा लिया बेचारे, मतलब वो दरबान सबसे पहले वही गया, मतलब एक स्प्लिट सेकंड से गुरु जी ने इनको बचा लिया। ऐसे एक दफे हैदराबाद गए थे टूर पे, और वहां से मैं वारंगल जाना था। तो वारंगल से जब वापस आ रहे थे, तो वो टैक्सी में, तो टैक्सी का हेड ऑन कोलिजन हो गया अशोक लेलैंड ट्रक से, और इतना वो भद्दा एक्सीडेंट था कि जिन्होंने भी विलेजर्स वगैरह जो इकट्ठे हो गए, उन्होंने सबने सोचा कि ये तो इसमें कोई बचा नहीं होगा। बिल्कुल टैक्सी कुचल गई थी, बिल्कुल उल्टी हो गई थी, जिस तरफ से आ रही थी उसी डायरेक्शन में। तो इनके पीछे पीछे जीप में दूसरे ऑफिसर आ रहे थे, तो खैर फॉरन हॉस्पिटल ले गए ये वो। लेकिन ये देखिए कि एक्सीडेंट होने से 10 मिनट पहले इनको नींद आ गई, इन्हें तो पता ही नहीं चला वो इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कुछ पता भी नहीं चला। और जब वो गाड़ी रुकी, तो ये इनकी खुली, तो उठे, दिखा रही ये क्या, सब शीशे शीशे चारों तरफ। मगर गुरुजी ने ऐसा बचा के रखा कि एक दूसरा जो जो ऑफिसर थे आगे बैठे, उनको कोई चोट नहीं आई, ड्राइवर को भी, तीनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। गुरुजी ने इतना इतना बचा के रखा। तो शाम को जब मैं नेक्स्ट डे गुरुजी को बताने गई, तो मेरे कहने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया, देखा बचा लिया, माथुर को बचा लिया। मतलब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इतने अंतर्यामी गुरु, वो खैर बचाने वाले ही बहुत है, तो मैं उनसे क्या कह पा। ऐसी तीसरी दफे भी एक बहुत ही कैरी हुआ था। ये कश्मीर में पोस्टेड थे, तो शाम को वॉक के लिए गए, वहां पे एक वो गोल्फ कोर्स है, तो वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, तो उसके अंदर वॉक कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद, देर से कोई 2.5 किलोमीटर अंदर आ गए थे, तो जरा सा अंधेरा सा होने लगा, तो इनको ऐसा लगा कि कुछ एक कोई डॉगी इनकी तरफ भाग के आया। अब जब बिल्कुल पास 2 फीट ही दूर था, तो इन्होंने देखा कि वो तो लेपर्ड है, और वो लेपर्ड अपनी टेल को स्विश कर रहा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा कि वो अटैक करने वाले वाला उसका पोज। और इनके पास ना इनका मोबाइल था, सिक्योरिटी तो बाहर गेट के थी, तो कुछ कोई भी, नो वन इनसाइड। मगर फिर हमारे गुरुजी तो हमारे साथ थे, उन्होंने फिर बचा लिया, इन्हें कुछ सूझा नहीं, उन्होंने सिर्फ उसको कहा शू, और मुड़ के जाने लगे गेट की तरफ। और इनको सब टाइम लग रहा था कि वो पीछे, आई बिलीव लेपर्ड पीछे से अटैक करता है, कि अब वो पीछे से आने वाला है, गर्दन पकड़ने वाला है। लेकिन गुरुजी ने फिर बचा लिया, बिल्कुल सेफली ये बाहर आ गए। गुरुजी को ये बहुत पसंद की कहानी, कहते थे शेर वाली कहानी सुना। तो इस तरह से गुरुजी ने इनको इतना बचाया। ऐसे 2015 में इनके दम से हार्ट अटैक हो गया था, 2 आर्टरीज ब्लॉक थी, लेकिन फिर इतना गुरुजी ने आगे से आगे इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया। यहाँ पहले पास वाले हॉस्पिटल में गए, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, यहाँ बड़े उसमें शिफ्ट कर दीजिए, और वहां पे डॉक्टर वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर इमरजेंसी के। कहां ऐसे होता है गुरुजी की कृपा के बिना। और फिर इनके बड़े स्मूथली सब कुछ हो गया, दो स्टेंट लगे, एंड फिर बिल्कुल गुरुजी ने हमें इनको बिल्कुल ठीक रखा है। ऐसे ही मेरे बेटे का भी 2 ऐसे काफी भयंकर एक्सीडेंट उसके भी हुए। एक दफे 2006 में कॉलेज में वो था, तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था, उसका फ्रेंड चला रहा था, एंड घर आ रहे थे, तो वो उन्होंने यू टर्न लिया, लोधी रोड की बात है, तो पीछे से एक मारुति कार आके इनके हिट करा मोटरसाइकिल पे, तो ये दोनों बच्चे गिर गए।
और ये जाके पेवमेंट पे गिरा, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर एक जरा सा भी हेयर ब्रेथ टू द लेफ्ट अगर होता इसका, तो वो इसको लाइफ लॉन्ग इसको वो पैरालिसिस हो सकती थी। मतलब जो इसकी जो चोट आई थी वो सेकंड और थर्ड वर्टिब्रे के बीच में थी, और इतना बाल बाल बचा लिया गुरुजी ने, जरा नहीं होता तो इसके वो। तो वही फिर गुरुजी ने कहा, जब मैं गई हैंड्स करने, देखा सेकंड लीड दे दी। ऐसी एक दफे और इसका हुआ था, ये दिल्ली में काम कर रहा, गुड़गांव हम लोग का फ्रेंड, तो आ रहा था, तो पता नहीं इसको ओवरस्पीड कर रहा था या नींद जरा सी झपकी आ गई, कोई 11 बजे की बात थी, तो एकदम से जो शिव मंदिर शिव स्टैचू जो है उसके सामने की बात है, तो एकदम से गेट थी गाड़ी, वो उसने 3 कलाबाजियां खाली और फिर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई वर्टिकल। तो पीछे बच्चे जो आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उन्होंने कहा, उन्होंने भी सोचा कि ये तो कोई बचा नहीं होगा ड्राइवर, जब खड़ा रुकी आके तो आए वो देखने के लिए, तो बट इसको तो कुछ भी गुरुजी ने खरोंच भी नहीं आने दी। मुझे फोन किया तो घबरा तो मैं गई, बट उन्होंने कहा बच्चों ने कि आप बिल्कुल आंटी फिक्र न करिए, हम अभी लेके आ रहे, बिल्कुल कुछ नहीं, गाड़ी को तो गाड़ी तो खैर बिल्कुल चली गई थी, बट इसको कुछ भी नहीं, इतना मतलब घर ही आया है तो थोड़े से क्या कह रहे जी स्प्लिंटर्स थे हाथ पे, जो कि आधे सेकंड में डेटॉल से मैंने वो कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं इसको हुआ। अब 2011 में मेरा भी बहुत ही बुरा एक एक्सीडेंट हुआ था। हम यहाँ गुड़गांव से मैं जाती थी स्कूल, दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रही थी, तो टैक्सी में जाती थी, बच्चे भी थे, 4 बच्चे होते थे, और मैं तो उस दिन हमारा जो नॉर्मल ड्राइवर था वो नहीं आया था, उसने अपने भतीजे को भेजा था, तो वो कुछ बहुत ओवर स्पीड कर रहा था, उसको मैंने 3-4 दफे टोका कि धीरे चलाए, कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल टाइम पे हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था। अब जब ये वो जो लोधी रोड वाला क्रॉसिंग है वहां पे हम पहुंचे, वो वैसे ही बड़ा डेंजरस क्रॉसिंग है, डेडली, बहुत एक्सीडेंट्स वहां होते हैं, उसने वहां पे रेड लाइट जंप कर दी, और इधर लेफ्ट हैंड साइड से रेड लाइन बस आ रही थी, और मुझे लगा बस दिस इज द एंड, खत्म। इतनी बुरी तरह से वो आके हिट, वो तो ठीक आ रही थी अपने, ये गलत था, तो इतनी बुरी तरह से टैक्सी को हिट किया, टैक्सी जाके 1.5 किलोमीटर जाके आगे रुकी, और बिल्कुल बिल्कुल केव इन हो गई थी, दरवाजे जैम, शीशे टूट गए, और बच्चे बेचारे चिल्ला रहे। तो जब गाड़ी आके रुकी, एज यूजुअल ये लोधी गार्डन के पास की बात है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उसमें से एक सज्जन आए, तो मेरे से पूछने लगे कि मैम हाउ आर यू, तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मगर प्लीज आप बच्चों को देखिए, मैंने कहा मुझे लगता है मेरी बैग तो गई बिल्कुल, मगर आप बच्चों को देखिए, बहुत चीख रहे थे, हिस्टेरिकल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, बच्चे तो ठीक है। और उनके अगले जो सेंटेंस था वो इतना कमाल, उन्होंने मेरे से कहा कि मैम आप क्यों चिंता कर रही हैं, आप तो गुरु जी के जाती हैं, आप मैं तो एक ही बारी गया हूँ, बट आप तो गुरु जी के जाती रहती है, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। और वो उनका वो कहना था, और जैसे कि मेरे अंदर एक गुरु जी का जिक्र सुनते ही एक ऐसी लीज ऑफ लाइफ जैसे मिल गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वो तो गुरु जी ही होंगे जिन्होंने उससे नाके इतना बचाया, क्योंकि वो जो सज्जन पहले एक ही दफे गए हैं वो मुझे कैसे पहचाने, और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ना आगे ना उसके बाद में, और मेरे से उन्होंने और उनको कैसे पता कि ये हमारे गुरु जी वही गुरु जी है जो जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। हम एक बहुत छोटा सा लॉकेट गुरु जी ने ब्लेस करके दिया था वो पहने, मगर वो तो साड़ी के फोल्ड में होता है, वो कैसे उनको दिख गया, और शीशे टूटे हुए थे पता नहीं कहाँ, मगर उनके कहने से मुझे इतनी तसल्ली हुई। तो मैंने बच्चों को फोन किया, उन्होंने सब अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, मैंने भी घर पे इन्फॉर्म किया, फिर वो कहने लगे कि अच्छा मैं बताइए मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वहां से मुझे हॉस्पिटल बहुत पास है। तो मैंने कहा नहीं, हमारे डॉक्टर जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल में है ऑर्थोपेडिक्स के, तो मुझे लगता है बच्चों को भी मुझे भी शायद उन्हीं की जरूरत होगी, तो
तो आप मुझे वहां पे अगर ले जाए, अब बताइए दिल्ली जैसी जगह में कौन बॉदर करता है, वहां से 8-10 किलोमीटर दूर है आरएमएस, वो कहने लगे मेरे पास कार है, मैं टैक्सी तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो गई थी, तो मैं कहा मैं अपनी कार लेके आता हूँ। तो वो कार लेके आए, फिर उन्होंने हमें सब बच्चों को उसमें बिठाया, हमें बिठाया, फिर वो ले गए वहां पे, फिर मेरे से बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था, तो व्हील चेयर अरेंज करी, डॉक्टर को फोन करवाया, फिर पूछने लगे और कुछ कर सकते हैं, तो मैंने कहा अगर आप सिर्फ इतनी देर रुक जाएंगे कोई भी गार्डियन आ जाए बच्चों का तो फिर आप चले जाइए। तो बेचारे मेरे पास ही बैठे रहे चीजें, और फिर जब आ गए, एक हमारे फ्रेंड थे पुराने, वो पास ही में रहते थे, तो वो आ गए। तो अब मैंने तो उनको बहुत थैंक्स कर ही दिया था, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि प्लीज इनका नंबर नोट कर लीजिए, तो मुझे लगा कि जब फैमिली आएगी तो वो भी बहुत दे वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक हिम पर्सनली। तो हमने उनका नंबर ले लिया, और वो FIR में भी, पुलिस उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ, उनका नाम और सब कुछ। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1.5 महीने तक हम उनका नंबर ट्राई करते रहे, मेरा बेटा, वो नहीं कोई मिला, हमेशा आउट ऑफ रीच आता था। और 1.5 महीने बाद जब मिला तो वहां से पता चला कि ऐसे नाम का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। अब वो मुझे तो लगता है साक्षात गुरु जी ने ही आके मुझे बचाया था, क्योंकि मेरी सारी मल्टीपल जितनी भी रिप्स होती है सब में मल्टीपल फ्रैक्चर था, राइट क्लेविकल में भी फ्रैक्चर था। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा कि ये फेटल भी हो सकता था, क्योंकि वो रिब्स पंचर कर सकती थी, लंग्स को, हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, वो सारे वाइटल ऑर्गन उसी एरिया में होते हैं, लेकिन हमारे तो गुरु जी आके हमें बचा लिए थे, तो कहां से कुछ होता। तो 21 दिन मुझे रहना पड़ा हॉस्पिटल में, 4 महीने बेड रेस्ट, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फिट। तो गुरु जी, जय गुरु जी, इतना गुरु जी ने भयंकर उससे मुझे बचाया। अब गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो पूरी फैमिली पे, मतलब सारा हमारा परिवार, हमारी मदर इन लॉ 97 पे उनकी 2016 में उनकी वो हुई, इतनी कृपा गुरु जी सब पे रखते थे पूरे परिवार पे कि किसी को कुछ नहीं होने देते थे उनको, कोई बिल्कुल भी, वो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी थी जब वो गई, कुछ किसी को उन्होंने आंच नहीं आने देते थे। और ऐसे एक जब दूसरी दफे हमारे पास गुरु जी घर पे आए, तो हमारा एक कुक था हमारे पास 14 साल से, तो उसके फादर को टीबी हो गई थी, तो मूलचंद हॉस्पिटल में वो थे, तो उन्होंने एक डॉक्टर ने उनको कहा कि अब आप इनको घर ले जाइए, ये बिल्कुल अब ये इनके पास ऐसे है कि 2-3 ही दिन रह गए, तो इनको घर पे आराम करने दीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और इत्तेफाक से गुरु जी ने, जब वो ये फादर घर आ गए उनके, तो गुरु जी ने कहा कि घर मैं उसका भी एक सत्संग है, मैं फिर बताऊंगी। तो दूसरी दफे जब गुरु जी घर आए, तो फिर ये उनको पकड़ के, वो बेचारे चल भी नहीं पाते थे, 3 जने पकड़ के गुरु जी के सामने लाए, और गुरु जी ने उनको भी ब्लेस किया इतना कि वो इतने फिट हो गए, मतलब नॉट ओनली कि उनका वो टीबी ठीक हो गया, इतने फिट हो गए कि वो तो दिवाली थी कि पेड़ भी चढ़ने लगे, इतना गुरु जी ने ठीक कर दिया। तो 8-10 साल उसके बाद वो रहे। तो गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो तो ऐसे एक्सटेंड करती है टू द एंटायर फैमिली। जब ये कश्मीर में थी, जब मैं ये किस्सा सुना रही थी लटपट वाला, तो वहां इनके एक दिन मेरे से गुरु जी ने बायोटेक में कि माथू का खाना कौन बनाता है, तो मैंने, मुझे लगा कि अजीब के गुरु जी को आज कैसे ध्यान आया कि खाना कौन, तो मैंने बताया कि हर वीक। तो कहना चाहो इतफाक से उसके अगले दिन ही हरमीत का फोन मेरे पास आया कि मेरे भाई को बिल्कुल उसकी किडनी फेल हो गई है, तो शेर कश्मीर में, वहां पे कश्मीर का जो वो है एम्स, कि वहां पे एडमिट हुआ है, और वो कह रहे हैं कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट और ये वो, और आप इतने अपने गुरु जी की वो करती हैं, तो गुरु जी से हमारे लिए भी दुआ मांगिए। तो क्योंकि गुरु जी ने जिक्र करा था हरमीत का, मेरे से नाम पूछा, तो मुझे बड़ी हिम्मत आ गई, तो मैंने हिम्मत करके गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे उसको ये तकलीफ हुई है उसके भाई को, मैं आप उसको बुलवा लूं कश्मीर से, आप उनको प्लीज ब्लेस करेंगे, तो हाँ हाँ बुला दे। तो उन्होंने जो भी दिन 1 हफ्ते बाद का कुछ टाइम दिया, तो मैंने बुलवा लिया,
और गुरु जी के ब्लेसिंग से वो भी ठीक हो गए। तो ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग तो इतनी एक्सटेंड करती हैं पूरे परिवार, पूरे जो भी आपके कॉन्टेक्ट में होते हैं दूर दूर तक। गुरु जी की तो असीम कृपा है। अब गुरु जी तो कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई डिस्कोर्स, कोई किसी कोई फास्ट रिचुअल में नहीं बिलीव करते थे। मुझे तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि मंत्र पढ़ जाकर, वो भी एक ही उन्होंने कहा था कि 8 सफे और शिव पुराण का 1 सेक्शन पढ़ने के लिए कहा था। बाकी उनकी तो फिलोसफी जो थी वो एक वे ऑफ लाइफ थी। गुरु जी तो यही कहते थे कि अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। वो रिचुअल में नहीं बिलीव करते थे। वो तो देखिए कितनी बड़ी चीज है कि अच्छे, अगर हम अच्छे इंसान बन जाए तो समझ लीजिए कि सब कुछ ही हमने इसमें हासिल कर लिया। तो शिव पुराण में लिखा है कि ईश्वर के रूप गुण नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि करना मनन है। महादेव जी के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है। दृढ़ को भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना, उसे चित्त में स्थिर रखना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण और कीर्तन कर ले और उसका मनन करें कि जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरु जी हमसे यही करवाते थे। जब वो मंदिर में बिठा के पहले शब्द सुनवाते थे और वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि हम शांति से चुपचाप सुने और फिर हम एक्सपीरियंसेस, कभी कभी वो कहते थे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो इन सब के जरिए हम कीर्तन श्रवण और मनन करते थे। यही सत्संग का, सत्संग की सिद्ध, यही अहमियत है सत्संग की। और गुरु जी ये हमसे प्रैक्टिकल में यही करवाते थे और वो यही कहते थे कि उनकी जो ब्लेसिंग है वो सब उनके प्रसाद में है। तो प्रसाद को बहुत उससे हम लोग हमेशा बहुत श्रद्धा से, जो गुरु जी देते थे बहुत श्रद्धा से लेते थे। लेकिन कुछ कुछ हम उस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं समझ पाते थे। अब जैसे एक दफे शिवरात्रि, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि जैसे एक दफे शिवरात्रि पे गुरु जी ने कहा कि बड़े मंदिर आ जाना शाम को फंक्शन के लिए। तो हम पहुंच गए। अब बहुत थोड़े से लोग थे तो गुरु जी ने मुझे बुलाया कि जहाँ लंगर खा के आ। अब मैं गई वहां पे। उस टाइम पे आई थिंक उस दिन 100-200 लोग होंगे। तो बिल्कुल वहां पीछे कोर्टयार्ड में लगी हुई थे लंगर प्रसाद। तो मैंने देखा कि वहां पे सब अन्न, बहुत बढ़िया लग रहा था अन्न और वो सब कुछ था। अब हमारी मदर इन लॉ ने हमें शिवरात्रि का शादी के बाद से रखा और तो मुझे कहती थी कि शिवरात्रि के दिन तुम लोग वो नहीं करोगे, अन्न नहीं खाओगे और इसमें पूरे दिन नमक नहीं और अन्न नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने देखा कि वहां तो सब वो था तो मैं ऐसे राखी लगा के आके फिर बैठ गई। मुझे वही ध्यान था कि मदर इन लॉ ने कह रखा है तो हमेशा इतने सालों से हमने वैसे ही रखा था। तो फिर दूसरी दफे गुरु जी ने बुलाया कि लंगर खाना। मैं फिर, अब गुरु जी से तो कुछ नहीं कह पाई, मैं फिर चली गई और फिर मैंने देखा कि वहां पे बेर रखे। तो मैंने बेर खा लिए और मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ, गुरु जी को तो नहीं पता चलेगा, मैंने ये खा लिया। तो ये मगर मुझे आज तक वो अफसोस है कि मैंने गुरु जी का कहना, फिर उन्होंने मुझे तीसरी दफे नहीं कहा। उन्हें तो अंतरयामी में तो पता चल गया होगा कि ये बेवकूफ अभी भी नहीं लेके आई है। बहुत साल बाद मुझे ऐसी शिवरात्रि पे बैठी थी तो मेरी बहुत पुरानी एक फ्रेंड कॉलेज की, वो फिर मैं वैसे ही हेजिटेट कर रही दोपहर में जब लंगर प्रसाद आया, क्योंकि हम तो रात को खाते थे। तो मैंने कहा ये मैं घर ले जाती हूँ, घर में रात को खाऊंगी। तो उसने मेरे से कहा कि तुम शिवलोक में बैठी हो और ये सोच रही हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। और फिर वो जो कहना, मुझे ऐसा लगा कि तो गुरु जी इसको कहवा रहे हैं। और मैंने उसी वक्त बोल दिया, तब से मैंने ये सब भ्रम छोड़ दिए। गुरु जी कहते थे कि कोई वहम नहीं करना चाहिए, कोई चोचले नहीं होने चाहिए थे और प्रसाद तो प्रसाद है। ये बात हमें बहुत बाद में जाके समझ में आई। गुरु जी का मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने उस दिन बात नहीं मानी थी। जैसे मैं थर्सडे का व्रत भी रखती थी तो जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो मैं बड़ी खुश होती थी कि गुरु जी ने सब मीठा बनवाया, उसमें भी नमक नहीं खाते थे।
तो मैं जो भी मीठा होता था उससे फुल्का खा लेती थी, जब कभी कभी खीर होती थी, कभी कुछ मिठाई होती थी। तो लेकिन बहुत बाद में ये समझ में आया कि ये मीठा नमकीन ये इस तरह के विहम कुछ नहीं, तो प्रसाद तो प्रसाद है, उसको बहुत श्रद्धा से खाना चाहिए जो भी प्रसाद हो। अब उसके बाद मैंने कभी वो नहीं पूछा कि शिवरात्रि है कि नवरात्रे हैं, जो भी व्रत अगर रखा है जब जिस टाइम भी गुरु जी के वहां पे जाके प्रसाद मिलता है उसको वैसे ही, अब कभी गलती नहीं करी कि मीठा नमकीन और ये सब। तो गुरु जी ये सब हमारे चोचले वहम सब हटवा देते थे। और इतनी जगह हम पहले जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी, अब तो गुरु जी ही सब कुछ है हमारे लिए। एक दफे उन्होंने मेरे बेटे को दर्शन दिए, हमारा बहुत बड़ा लॉन था दिल्ली में, तो उसको लगा कि गुरु जी बाहर बुला रहे हैं और वो आगे आगे जा रहे हैं, ये पीछे पीछे। और गुरु जी एकदम उन्होंने विराट रूप ले लिया और ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, और गुरु जी वो शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, सब डिफरेंट फॉर्म्स, और ऐसे वो गोल 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 घूम रहे हैं और ऐसे साक्षात दर्शन दिए थे। तो इसके थ्रू आई थिंक वो यही हमें बताना चाह रहे थे कि सब एक ही रूप है, उन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है, हम वही वही जो हमारे गुरु जी है, शिव जी दिखते हैं उसको, उन्हीं में सब कुछ प्रकट है, वो वन एंड ऑल है, सब गुरु जी में ही है। वो बहुत ही बढ़िया गुरु जी के साथ रहता था एम्पायर स्टेट में, वो दिन तो कभी भूलते ही नहीं कि कितने गुरु जी प्रेम से तो अपने हाथ से प्रसाद देते थे, लंगर करवाते थे, चार जने बैठ के जब लंगर एक साथ करते थे तो वो कितना लेवलर था। गुरु जी ऐसे बिठा देते थे किसी को भी रैंडम साथ में और हम अपने सब दुख सुख शेयर करते थे, तो बिल्कुल एक ऐसे गुरु जी ने हमें एक कम्युनिटी बना दिया था, एक ये एहसास दिलवाया कि ये एक परिवार एक ही है जिनसे हम बात करें। लंगर के टाइम पे वो इनकरेज करते थे हम सब बात करें, तो बहुत ही बढ़िया लगता था। और बस ऐसे अब जब मैं आपको बता रही थी कि दूसरी दफे जब गुरु जी जब घर आए थे उन्होंने डिस किया था, तो क्या हुआ कि एक दफे उन्होंने मेरे से कहा कि मैं दिन भूल रही हूँ, आई थिंक शायद वेंसडे था, तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे को अदिति की मेरी बेटी के लिए कि एक लोटा लेके आना, मैं ब्लेस करूंगा। तो हमने कह दिया जी गुरु जी। अब बाहर आए तो उस वीकेंड मेरे हस्बैंड को जयपुर टूर पे जाना था, तो वैसे तो ये मुझे कभी नहीं ले जाते, बट उस दफे कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि तुम भी चलो साथ में। अब बड़ी हिम्मत करके हम वापस गए गुरु जी को कहने, हमने कहा गुरु जी तो इससे अंडरस्टैंडिंग है, तो चलो हिम्मत करके कह देते हैं गुरु जी से कि गुरु जी ऐसे है कि हमें जयपुर जाना है, तो फ्राइडे की जगह सैटरडे आ जाए या जो कुछ भी मतलब मैंने कहा उनसे। तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ अपना ऐसे डमरू जैसे हिला दिया। अब हमने उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम आ गए, हमने कहा चले शायद उनका मतलब यही है कि हम जा सकते हैं, तो हम चले गए, हम घर आ गए। और ये देखिए कि वो प्रोग्राम नहीं बन पाया, जो जिनके जो इनके चेयरमैन थे उनकी मदर इन लॉ की एक्सपायर हो गई, तो वो कैंसिल हो गई। तो फिर जिस दिन गुरु जी ने कहा था फ्राइडे को, फिर पहुंच गए मंदिर लोटा लेके, तो बहुत गुरु जी डांटे, बहुत मुझे बहुत मेरे पर नाराज हुए कि महापुरुष की बात काटते नहीं है, बहुत डांटा, थोड़ी सी शर्म भी आई सबके बीच में, बहुत डांटा, मगर गुरु जी की डांट में तो प्यार था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं इसको ब्लेस करूंगा यहाँ पे। लेकिन उनका गुस्सा तो बहुत छोटा होता था, वो तो गुरु जी तो गुस्से में भी हमें ब्लेस ही कर रहे होते, हमें पता नहीं था जब, मगर वो तो उनकी तो ब्लेसिंग थी। तो ये देखिए कि कितना उनका बड़प्पन, मतलब मैंने उनकी बात काटी मगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं मेरे पे वो किया, उस वक्त जरूर गुस्से किया, तो उन्होंने दो चार दिन बाद ही कहा कि मैं घर आऊंगा, मैं घर आके ब्लेस करूंगा। तो वो जो मैं आपको दूसरी दफे का किस्सा सुनाई थी वो जब का था, उन्होंने कहा कि वो तो फिर घर पे सत्संग रखना। तो ऐसे गुरु जी फिर आए तो बहुत अच्छा लगा, गुरु जी की असीम कृपा। और गुरु जी तो बिल्कुल ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट है।
मैं आपको बताई थी ना फादर का जो कैंसर, तो मदर का भी मेरी 2000 में एकदम से डिटेक्ट हुआ. थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा था, तो जिस दोपहर को और जब उनके ये कोलोनोस्कोपी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो इनके कैंसर है, ये तो बिल्कुल फौरन रिमूव करना चाहिए, बिल्कुल विदाउट एनी डिले. तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में तो टाइम लगता अपॉइंटमेंट का. मेरे जो भाई है वो सर्जन ने अपने पास बुलवा लिया कि लुधियाने में जल्दी हो जाएगा. तो अगले दिन ही मम्मी को जाना था, कहीं यहाँ आ जाए तो एक आध दिन में सर्जरी हो जाएगी. तो मैं बहुत घबराई, बहुत अपसेट थी. तो शाम को इंपायर स्टेट गुरु जी के पास गई, तो गुरु जी ने कहा नहीं कोई चिंता नहीं, लोड नहीं है, कटवा दो, कुछ नहीं होना. और बिल्कुल जैसे गुरु जी ने कहा, मतलब वो सर्जरी उनकी जरूर हुई, मगर गुरु जी की इतनी असीम कृपा कि उन्हें बिल्कुल भी कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी. जैसे उन्होंने कहा था कि निकलवा दो और कुछ नहीं होना, बस वो ही हुआ कि वो निकलवाया और वो बिल्कुल ठीक रही. अब ये देखिए कि जिस दिन उनकी सर्जरी हुई थी, मैं थोड़ा देर में पहुंची थी, तो उस दिन भाई फादर थे, तो वो फादर को तो भाई ने घर भेज दिया. तो जो छोटा भाई था वो कमरे में, उसको लगा कि गुरु जी का जाप करते रहना चाहिए, तो वो गुरु जी का जाप कर रहा था. तो उसको ऐसा लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि जोर जोर से बोल के कर कि मैंने तेरी मम्मी को गोदी में उठा रखा है, तो मेरे कंधे दुख रहे हैं. तो ये जोर जोर से करने लगा जाप. और वो एक उन दिनों में हमें पैरिस के अक्सर छोटे, बहुत गुरु जी के छोटे चिप्स मिलते थे जो आईडी कार्ड टाइप, तो ये इसके पास था, इसने वो ही सामने रखा हुआ था और गुरु जी का जाप कर रहा था. तो इसको थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कंधे पे फिंगर्स मूव कर रहे हैं और ये जोर जोर से कर रहा था. अब ये तो ये, और ये दो दिन रह के ये वापस दिल्ली आ गया था. उधर जब मम्मी का वो एनेस्थीसिया से बाहर आई, दो चार दिन बाद में उन्होंने बताया कि उनको जब सर्जरी हो रही थी तो गुरु जी ने, मतलब भाई की और उनकी कोई बात नहीं हुई थी आपस में, वो तो दिल्ली वापस आ गया था. और उन्होंने कहा कि मुझे गुरु जी ने उठाया हुआ था और एक पीले पिंक रंग की साड़ी भी मुझे दी है. और उठते ही उनका जब थिएटर में गुरु जी कहाँ है, गुरु जी कहाँ है, तो मेरे फादर ने कहा कि गुरु जी तो सब जगह है. कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे उठाया हुआ था, कहाँ चले गए गुरु जी. तो ऐसी असीम कृपा गुरु जी की कि बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ओमनी इम्पोर्टेंट है. मतलब हर जगह हर पल उन्होंने हम लोगों का साथ दिया, हर पल में, जब भी कभी कोई भी कष्ट आया है गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था. देखिए ऐसा सपना आया, ड्रीम जिनको एनेस्थीसिया में जो दिख रहा है, और वही उधर से गुरु जी भाई से कह रहे हैं कि वो करो, तो ये उन्हीं की कृपा से उनके ऊपर इतना सब रहा कि वो ठीक रहे. एक और मैं रिसेंट वो सुनाती, 2019 में शिवरात्रि से कोई 10 दिन पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे सपने में प्रकट हुए. और उन्होंने मेरे से ये कहा, मुझे सपने में दिखा कि वो कह रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा. तो हम खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा के चलते. तो बेटा कहने लगा नहीं नहीं कैसी बात करे, गुरु जी बुला रहे हो तुम्हें खाने की, चलो फौरन चलते. हम फौरन बड़े मंदिर गए और वहां गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि शिवरात्रि पे तुम पोहा बनाना. तो बड़े हंस के बड़े स्माइलिंगली कह रहे थे मेरे से, जी गुरु जी जरूर कर दूंगी. अब हम ये सपना मेरा यहाँ खत्म हो गया. अब मैं उठी बड़ी एक्साइटेड, मगर एक दिन सोचती थी क्या करूं, क्योंकि शिवरात्रि पे तो लाखों में आते हैं वहां पे सब. आजकल तो इतने लोग होते थे, मतलब कोविड से पहले तो इतने सब पहुंचते थे. और इतने मैंने देखा कितने बड़े बड़े वहां पे सब लोग बना रहे होते, इतने सेवादार होते, इतना सब कुछ. तो मुझे समझ में नहीं आया मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ कि इतने बड़े उस अवसर के मैं बीच में मैं कहाँ जाके बनाऊंगी. तो मैंने दिन भर तो सोचती थी, फिर शाम को अपने छोटे ब्रदर सिद्धार्थ से बात करी कि मैं ऐसे ऐसे मुझे सपने में दिखा,
कि गुरु जी का ये आदेश है, क्या करूं, किससे कहूं। तो उसने कहा कि नहीं, गौरव अंकल से बात कर लो। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मैंने हिम्मत करके उनसे कही कि ऐसे ऐसे मुझे दर्शन आए। तो उन्होंने बड़े स्वीटली कहा कि बिल्कुल चिंता की नहीं करने की जरूरत है, और आ जाना 11:30 बजे, मैं जो छोटा गुरु जी का किचन है वहां पे 8-10 लोग के लिए पोहा बना लेना और मैं सेवादार को डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उनके लिए सामान सब मिल जाएगा। मैं कि नहीं, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया तो मैं ही लेके आऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब ये देखे, उस दिन फिर जरा रात देर हो गई थी, तो मैंने भाई को नहीं बताया कि ऐसे गौरव अंकल से बात हुई है। अब उस रात को गुरु जी ने भाई को दर्शन दिए, उनको उसके ड्रीम्स में प्रकट हुए, और जैसे कि वो एक कंटिन्यूएशन में, और उसको उसने वैसे गुरु जी से कहा, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है, आपने जी जी को ऐसे कहा है कि पोहा बनाने के लिए। तो गुरु जी ने इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसको दिए। गुरु जी ने उससे कहा कि उसको कहना 200 लोग के लिए सिंगल हेल्पिंग बनाएगी। अब कहने कैसे करेगी अकेली, वो गौरव से बात कर ले। इतना मतलब इतने गुरु जी हमारे डिटेल में, इतना मतलब मैं तो इसी उसमें थी कि क्या क्या बनाऊंगी, मतलब कैसे बनाऊंगी और कितना बनाऊंगी, क्या आइडिया नहीं होता। तो इतना उन्होंने स्पेसिफिक कहा 200 लोगों के लिए। अब फिर बहुत एक्साइटेड मैं फिर वापस गौरव अंकल को किया कि सॉरी, अगले दिन फोन किया कि अब ये आज रात को, कल रात को भाई को गुरु जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो भी हो जाएगा 11:30 बजे, तुम 11 बजे आ जाना। तो ठीक है गुरु जी। तो बिल्कुल वैसे ही इतना आनंद आया कि ऐसा गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि शिवरात्रि वाले दिन हम पूरी फैमिली ने मिल के पोहा बनाया। और पता नहीं वो गुरु जी मेरे क्या क्या कष्ट डालने चाहे थे। शायद जो आज मेरा जो टेस्ट क्लियर हुआ है, वो इतने 3 साल पहले उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दे दी। क्या गुरु जी की सीमा कभी कृपा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्या किस तरह से क्या होता है, कैसे वो क्या क्या करवाते हैं हमसे। और उसी साल मेरा ये तो मतलब शिवरात्रि की बात है, सितंबर में थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, वहां गिर गई थी मैं जनपद पे, इतनी बिजी रोड, आई मीन इवन दैट कुड हैव बीन फेटल, मगर मेरी सिर्फ दोनों हाथ की रिस्ट बोन टूटी थी, बाकी बिल्कुल गुरु जी ने बचा के रखा था। तो इस तरह से कैसे कैसे गुरु जी हमें किस किस संकट से बचा लेते पहले से ही, वो तो हमारे पहले से ही हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसे ही गुरु जी सबके कृपा रखिए। एक सॉरी आंटी, मैंने तो बहुत टाइम ले लिया। नो इश्यूज आंटी। अच्छा, थोड़ा सा दो छोटा सा और बताऊं। एक दफे ऐसा हुआ कि गुरु जी ने मुझे एक ही दफे मौका दिया कि हाथ दबाने का। मैं हमेशा देखती थी आंटी जितने अच्छे से करती थी, इतने प्रेम से, तो मैं सोचती थी गुरु जी कभी मुझे भी ये सेवा का देंगे मौका। तो एक दफे उन्होंने दिया और मुश्किल से पता नहीं 5-10 मिनट कितना, और उसके एकदम बाद उन्होंने कहा जा तेरा कल्याण किया, जा तेरा अस्थमा ठीक कर दिया। अब ये देखिए, मैंने कभी गुरु जी से नहीं कहा था कि मुझे, मैं तो हमेशा बच्चों के लिए मांगती रहती थी। जब मैं बेटी का बता रही हूँ, बेटे के भी कुछ प्रॉब्लम थे, तो मैं तो बच्चों के मांगने में तो कभी अपना कहा भी नहीं, उन्हें जिक्र ही नहीं किया था कि मुझे अस्थमा है। और 25 साल से तो अस्थमा था, और कभी इतना सीवियर हो जाता था कि विंटर, तकरीबन हर विंटर में मुझे 2 स्टेरॉइड के कोर्स लेने पड़ते थे। और उन्होंने, गुरु जी ने वो ही कहा जा तेरे स्टेरॉइड बंद कर दिए। तो इतना इतना ऐसे कल्याण कर देते थे। एक 95 में ही शुरू में थोड़ा मुझे 1 साल से स्पॉन्डिलाइटिस था, तो वो गुरु जी ने बस चम्मच से 1 मिनट टक टक किया, वो ठीक हो गया। तो इस गुरु जी के सत्संगों का तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब हम कितना 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 उनका शुक्रिया करें वो भी कम है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, ये तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पाने का। गुरु जी तो यही कहते थे कि वैसे मतलब हमें पहले लगता था कि गुरु जी हमसे कहलवाते हैं तो क्यों कहलवाते हैं, तो वो अब पता चल रहा है
कि गुरुजी तो हमें मतलब जो जो सत्संग करने वाला है उसके लिए भी ब्लेसिंग है, जो सुनने वाला है उसके लिए भी ब्लेसिंग है, तो हमें गुरुजी में अटल फेथ रखनी चाहिए के, और गुरुजी ही हमें ये इन सब बुरे टाइम से निकालेंगे। गुरुजी के हर पल हमारे साथ है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू गुरुजी।